गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज पर्सनैलिटी। आपके लिए पर्सनैलिटी क्या है, आपके लिए पर्सनैलिटी क्या जनरली रहती है कि द पर्सन द वे द पर्सन इज लुकिंग। जैसे इंसान कोई दिख रहा है बट दैट इज नॉट पर्सनैलिटी, वो उसकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी है। एक्चुअल पर्सनैलिटी व्हाट इज इट, इट इज इनर एज वेल एज आउटर। मान लो कोई इंसान वेल ड्रेस्ड है, अमेजिंगली गुड ड्रेस्ड है, उसके पास लंबी कार है, लेकिन द वे द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग या द वे द पर्सन इज स्टैंडिंग, वो उसकी पर्सनैलिटी को रिवील करता है कि वो किस तरह के शब्दों का यूज करता है और किस तरह से वो खड़ा है या बैठा है, या उसका बिहेवियर जो है, आपके जेस्चर जो है, आपके पोस्चर है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, सारी चीजें पर्सनैलिटी में काउंट होती है। सो हाउ इज आवर पर्सनैलिटी फ्रेम्ड, आपको क्या लगता है हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे फ्रेम होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स गेटिंग फ्रेम्ड विद आवर मदर। मदर हमारी पर्सनैलिटी को सबसे पहले शेप अप करती है, जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बात करनी है और अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से लेके जाना है। जैसे छोटे बच्चों को हम कंट्रोल करते हैं ना, वी जस्ट ट्रेन देम, हम उनको शेप अप करते हैं, जैसे कि एक पॉटर जो है या एक कुम्हार जो है घड़े को शेप अप करता है। उसके बाद फिर क्या होगा, बच्चा 3, 4, 5 ईयर्स का होता है, द चाइल्ड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद यू नो द चाइल्ड मूव्स टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल में टीचर्स उसको शेप अप करते हैं, उसके फ्रेंड्स उसको शेप अप करते हैं, अब सोसाइटी भी उसको शेप अप करना शुरू कर देती है। तो जिस तरह का वो स्कूल होगा, जिस तरह का वहाँ माहौल होगा, बच्चा उस तरह से हमारा ग्रो करता जाएगा, उसकी भाषा भी वैसे ही होगी और वो सोचेगा भी वैसे वैसे ही, वो बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, चीज़ों को रिसीव करेगा, रिजेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, वी लर्न अ फ्यू थिंग्स, स्कूल में हमने कुछ सीखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स टीन एज। 12, 13 साल में हम लोग टीनएजर्स हो जाते हैं, उस वक्त हमारी बॉडी में और माइंड में बहुत से चेंजेस होती हैं, हमारे हॉर्मोन्स जो है वो डिफरेंट टाइप से सिक्रीट करना शुरू करते हैं, हमारी सोच बदलनी शुरू होती है। नाउ वी कम इन कॉन्टेक्ट विद अ ब्रॉडर सर्कल, हमारा थोड़ा सा सर्कल बढ़ जाता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, हम रिलेटिव्स में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ एक बेटर इंटरेक्शन शुरू करते हैं, हम उनके साथ बहस भी करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमारे अपने लॉजिक जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो पेरेंट्स के पास थे। +1, +2 में क्या होता है, वी स्टार्ट एडिंग विंग्स, पंख लगने शुरू होते हैं, लाइक कि हम अपने सपनों की तरफ उड़ान भरना शुरू करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को क्या है, एक डायरेक्शन मिलती है कि ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, इस सब्जेक्ट में मैंने इतनी मेहनत करनी है, मैंने यहाँ ग्रो करना है, या ये काम नहीं होगा तो आई विल गो फॉर डिफरेंट फील्ड, इस तरह से हम प्लान आउट कर लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारी पॉलिशिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, ये स्टॉप नहीं हुई है। इन बिटवीन हम क्या देखते हैं, हम अपने घर का माहौल भी देखना शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड हम लोग देखते हैं कि मेरे घर में किस तरह की भाषा यूज हो रही है, मेरे पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका आपस में बिहेवियर कैसा है, उसका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है, या फिर उनका मेरे साथ या मेरे भाई बहनों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, उनका सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर है, वो किन चीज़ों को ऑब्जेक्ट करते हैं और किन चीज़ों को वो चुपचाप रिसीव कर लेते हैं जो गलत भी होती हैं, और घर आके फिर वो डिस्कस करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत थी, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाए आप, उसको अपोज नहीं कर पाए। तो बच्चे की पर्सनैलिटी या आपकी या किसी की भी पर्सनैलिटी शेप अप होती है। फिर क्या होगा, फिर आप सपोज मान लो ग्रेजुएशन करने के लिए या तो कॉलेज में जाओगे या किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, कोचिंग के लिए जाओगे, तो वहां पे जो भी कुछ आप सीखोगे वो एडिशनल होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू बिलोंग टू रूरल एरिया, आई ऑल्सो बिलोंग टू रूरल एरिया, सो वॉट हैपन्स दैट वेन देर इज अ ट्रेंड, लाइक यू नो जैसे आपका जो कम्युनिटी जो हमारा जो फूड का पैटर्न है, जो हमारा नॉर्मल धाम जिसको आप बोलते हैं, तो वॉट डू, यू टेक इट एट होम, कैसे जमीन पे बैठ के पत्तल में आप जो है ग्रीन प्लेट में वो लीफ प्लेट में खाते हो। लेकिन वेन यू गो टू चंडीगढ़ और यू गो टू मेट्रोपोलिटन सिटी या बफे की आप बात करते हो, तो वॉट इज अ पैटर्न देयर, यू आर गिवन अ प्लेट, यू आर गिवन अ फोक, यू आर गिवन अ नाइफ, यू आर गिवन अ स्पून, आपको उन चीजों को अडॉप्ट करके उसके साथ चलना है। तो एट टाइम्स वी डोंट नो हाउ टू यूज दीज थिंग्स, लेकिन हम वक्त के साथ अपने सर्कल के साथ इन चीजों को सीखते 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 हम स्टार्ट करते हैं ग्रो करना। तो जो हम ग्रो करना सीखते हैं तो वी लर्न मच मोर थिंग्स। अब वो क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ है कहाँ के लिए, बाहर की जगह के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ग्रो अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस ऑल्सो। तो इस प्लेस पे आके अगर आप इन चीजों को यूज करोगे, दैट वोंट बी काउंटेड एज अ ग्रोथ। उसको आपको अगर आप ये बोलोगे ना कि धाम में आप स्पून डिमांड करते हो, तो इट इज समथिंग वेरी रॉन्ग, तो वो चीज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वहां पे सब लोग जो है कैसे खा रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, हमें ग्रोथ को
पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, और वक्त के साथ हमें खुद को बदलना है, लेकिन वो चेंजेस जहाँ एग्जिबिट करनी है, रिक्वायर्ड है, हमने वहीं पे एग्जिबिट करनी है। तो अगर हम इन जनरल बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो इट इज शेप्ड बाय आर पेरेंट्स, देन इट इज शेप्ड बाय आर फ्रेंड्स, देन शेप्ड बाय आर टीचर्स। सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो बाहर बाहर से हमें शेप करती जाती है, हमें पता नहीं चलता है। देन फिर हम बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम पॉजिटिव चीजें रीड करना शुरू करते हैं, या हम नेगेटिव शुरू करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेप अप होती जाती है। उसके बाद हम दुनियादारी सीखते हैं, फिर अच्छे बुरे में डिफरेंस सीखते हैं, कई बार हम लोग गलत पाथ भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बेटर करने में हमारी हेल्प कैसे करती है, इफ वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, इफ वी आर कमिटेड कि ठीक है यार हो गया, नेक्स्ट टाइम होगा तो देखेंगे। इफ वी गो विद दैट वेरी लीन एटीट्यूड तो क्या होगा, हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो मिस्टेक्स हमारी लाइफ की जो है वो हमें टॉर्चर करती रहेंगी। सो इसमें आपकी हेरिडिटरी फोर्सेज हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल क्लास हैं, कल्चरल फोर्सेज हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कल्चर किस तरह का है, ठीक है ना। अगर आप जो है वो इफ यू टॉक अबाउट यू नो जो आदिवासी कबीले के लोग हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, दे लिव टुगेदर, वो बड़ी हार्मनी में रहते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो हमारे क्या है, हमारा पैटर्न लाइफ का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाउन्स की तरफ मूव कर गए हैं। अगर आप अंदर के गांव में चले जाओगे, हिमाचल के विलेजेस में चले जाओगे, तो वहां पे क्या है, दे लिव अ वेरी डिफरेंट पैटर्न, उनका अभी भी वही पैटर्न है कि शूज वो बाहर पुट ऑफ करेंगे, फिर वो हैंड वॉश करके फुट वॉश करके अंदर आएंगे, फिर उसके बाद वो जमीन पे ही बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन हमारे क्या हो रहा है, जो हम लोग रूरल से थोड़ा अर्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा मॉडर्निटी को एक्सेप्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद आपके एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इफ आई टेल यू अबाउट माई एजुकेशन इज फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन है जहां हम जमीन पे जो है वो टाट पट्टी पे बैठते थे और वहां की मेरी एजुकेशन है। लेकिन धीरे 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 आई हैव शेप्ड अप माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चेंज किया है। लेकिन जो चीजें हमें स्कूल से मिली हैं पॉजिटिवली, जो डेडिकेशन, जो डिवोशन हमने अपने टीचर्स की देखी है, वी आर स्टिल कैरिंग विद दैट। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, एट टाइम्स व्हाट हैपन्स आवर पेरेंट्स, हमें लगता है कि एक स्टेटस फैक्टर भी हमारा आ जाता है बीच में कि मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स जो है वो वेल ऑफ हैं, मेरे पेरेंट्स जो है, सपोज माई पेरेंट इज अ प्यून और माई पेरेंट यू नो शी इज अ लेबरर, मेरे फादर जो है वो लेबरर है, तो वी फील हेजिटेंट इन डिस्कसिंग दैट। यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट, दैट डिस्पाइट हार्डशिप्स अपने आप को वो जो है वो काम की आग में झोंक के हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें जो वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ग्रोथ के लिए, ताकि हम इस स्थिति से ऊपर आ सके, अपने पेरेंट्स वाली स्थिति से हम लोग कुछ बेटर कर सके सोसाइटी में। सो यू शुड फील प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, सो इट इज कॉल्ड योर, जो आपको फैमिली से चीजें मिलती हैं। और पेरेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऑब्वियस है, एक लेबरर की अगर आप जिंदगी देखोगे, अगर आप उनके हालात देखोगे, यू वुड कम टू नो कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाइट, रात तक उनकी मेहनत चलती रहती है। इफ यू सी योर मदर्स, हाउ डू दे वर्क हार्ड, दे लीव देयर बेड बिफोर यू लीव योर्स एंड दे स्लीप वेरी लेट, और वो पूरे के पूरे दिन जो आपकी मदर्स जितना काम करती हैं वो आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो जो ट्रेट ऑफ हार्ड वर्क है, या आप ये कह सकते जो मेहनत करने का एक गुण है, दैट वी गेट फ्रॉम आर फैमिलीज, दैट वी गेट फ्रॉम आर पेरेंट्स, सो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। और हम एक चीज और वहां पे देखते हैं कि दे डोंट फील हेजिटेंट, वो काम करने में हेजिटेट फील नहीं करते, वो खेतों का काम करते हैं, वो रोड पे काम कर रहे हैं, वो जो भी काम वो लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एज देयर ड्यूटी एंड दे फील प्राउड कि अगर पूछे तो यू शुड ऑल्सो फील प्राउड कि मेरे फादर जो है लेबर में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए, दैट वुड पॉलिश योर पर्सनैलिटी। अदरवाइज क्या होता है, वी लीव अ लाइफ विच इज यू नो दिखावे वाली जिंदगी, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में जिसने हमारे लिए एफर्ट्स डाले होते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं। दैट इज वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वॉट इज इट, इट इज लाइक किसी भी भगवान को आप मानते हो, मान लो आप चर्च जाते हो, आप टेम्पल जाते हो, आप मॉस्क जाते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, या आप मोनेस्ट्री जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, या किसी सेक्ट को आप फॉलो करते हो, हर जगह आपको एक चीज बताई जाती है। एक तो आपका आता है सर्वधर्म समभाव, ठीक है, हर रिलीजन को आपने इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, ओके, चाहे वो मेरा रिलीजन है, चाहे आपका है, चाहे किसी और का है। यू शुड नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, कुछ नहीं बोलना है। कास्ट बेस्ड के लिए यू वोंट जस्ट अटर इवन अ सिंगल वर्ड,
हमारी जो हमारे पढ़ी लिखी सोसाइटी है उसमें हम लोग इसको सेकेंडरी लेके चलते हैं, इन चीजों को इग्नोर ही करते हैं हम लोग, तब हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और हमारी बड़े जो टारगेट्स होते हैं वी मिस देम। सो हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। आप जिस भी रिलीजियस सेक्ट में जाते हो, किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ते हो, उसमें सर्वधर्म संभाव है। उसमें क्या बताया है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स हैं, वो भगवान का रूप है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर आवर्स, अगर आप किसी लिविंग बींग की हेल्प करते हो ना, दैट इज 1000 times बेटर। यू फील वेरी मच कंटेंटेड, यू फील वेरी मच सेटिस्फाइड। तो यू नीड फूड फॉर योर माइंड। वॉट इज इट? इट इज योर स्टडीज से आपको मटेरियल मिलता है माइंड के लिए। यू नीड फूड फॉर योर बॉडी, जो आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खाना वाना जो आप खाते हो उतना ही खाना है जितना जीने के लिए जरूरी है। ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ा नहीं जाता फिर। एंड यू नीड फूड फॉर योर सोल। एक चीज हमारे अंदर होती है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं ना, समथिंग प्रिक्स इनसाइड अस कि ये गलत हो गया, गड़बड़ होने वाली है। व्हेन दिस थिंग इज देयर, इट इज योर कंसाइंस इज प्रिकिंग यू। आपकी आत्मा जो है ना अंदर से, वो कुछ बोल रही है कि इसको सुन लो। और अंदर से गाइडलाइन भी हमें मिलती है कि आप जिस रूट पे चल रहे हो, वेदर दैट इज फाइन और दिस इज फाइन, कि ये रूट अच्छा है या दूसरा अच्छा है, तो आपने उसको भी फॉलो करना है। और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये एनरिच कैसे होता है? जस्ट प्रे फॉर अ वाइल, शांति से बैठ के आंखें बंद करो, जस्ट कम्युनिकेट विद गॉड। क्या होगा? आप रिफ्रेश हो जाओगे, जिसको आम भाषा, मतलब जिसको टिपिकल लैंग्वेज में मेडिटेशन बोलते हैं। जस्ट प्रे फॉर अ वाइल, जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, एक ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और जितना हम ज्यादा बोलेंगे उतना हमारे लिए निगेटिव है। तो आपने क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, लेकिन रेलेवेंट रखना है। यू शुड नो कहाँ, कब, कैसे और कितना बोलना है, किस बारे में बोलना है, और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आपको एनरिच करना है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन जो है वो मंदिर में बैठो। मंदिर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉस्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर सो एवर यू आर सिटिंग, जहां मर्जी आप कंफर्टेबल फील करते हो, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वहां से हमें चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड सिचुएशनल फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन वेयर यू आर पुट इन, आप जिस हालात में जाते हो, एट टाइम्स हमें लगता है किसी को डांट के हम सुधार सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे पास पढ़े हुए हो, तो वॉट वी फील लाइक, कई बार कोई बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं, वी फील लाइक गुस्सा आता है। बींग अ पेरेंट गुस्सा आता है, बींग अ टीचर गुस्सा आता है, जब हम अपने बच्चों को इस तरह से करते हुए देखते हैं। लेकिन वी नीड टू होल्ड, कब तक? जब तक आपकी वो हरकत सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेगी, तब तक हम होल्ड करेंगे। तब तक कैसे होल्ड करेंगे? वील टॉक टू यू अलोन, प्रेफरेबली बच्चे से अकेले में बात की जाती है। बिकॉज आपको खुद पता है कि अगर पब्लिक इंसल्ट होती है 10, 12, 15, 20 बच्चों के बीच में, हम आपको पॉइंट आउट करेंगे, यू वॉन्ट फील गुड। टीचर इवन टीचर वॉन्ट फील गुड इफ यू आस्क अबाउट मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को ग्रुप में पॉइंट आउट करती हूँ। सो वॉट डू आई डू? मैं बच्चे को अकेले बुला के अकेले बात करना पसंद करती हूँ। तो वही रूल आपने फॉलो करना है कि आपका कोई यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, किसी से कंप्लेंट है, पेरेंट्स से कंप्लेंट है, तो आपने इंडिविजुअली उनके साथ कम्युनिकेट करना है। पेरेंट्स से लड़ के घर के बाहर कम्युनिकेशन नहीं करना है। पेरेंट्स से नाराज हो, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करो, कोई बात नहीं, डांट पड़ेगी फिर क्या हो गया, बट आफ्टर ऑल वो आपके पेरेंट्स हैं। सॉफ्ट पेरेंट एक रहता ही है, दो में से एक पेरेंट हमारा सॉफ्ट रहता है, तो हमने कोशिश वो करनी है कि हम अगर अनॉयड हैं तो हम सॉफ्ट वाले पेरेंट के पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनसे हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक चीज दोबारा बोलूंगी, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घरों में बंद हो चुके हैं, कम्युनिकेशन हमारा कम हो गया है, तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये चीजें बड़ी कॉमन है। तो आपने फ्रस्ट्रेशन आने ही नहीं देनी है। व्हेन एवर यू आर विल फील फ्रस्ट्रेटेड, यू नीड टू कम्युनिकेट। कुछ नहीं है, अपने आपको अपने डाइवर्ट करना है। आप पॉजिटिवली गाइडेंस वाली बुक्स पढ़ो, आप वीडियोस देखो जो पॉजिटिव आपको चीजें बता रहे हैं, लाइफ के बारे में बता रहे हैं। आप अपने सिलेबस का स्टडी करो, यू कम्युनिकेट विद योर मदर्स, विद योर पेरेंट्स, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करो। और कुछ नहीं है तो गार्डनिंग की हॉबी डिवेलप करो, पेंटिंग की हॉबी डिवेलप करो, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी रहती है। आपने उस हॉबी को ग्रोथ देनी है, तो वो क्या करेगा, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शेपअप करेगा। आप जिस तरह से जीना चाहोगे, यू विल बी एबल टू लिव। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन जनरल, जहां पे हमने 7 points को डिस्कस किया है। और आज आपने कुछ नहीं करना है, आज आपने बुक्स में, ये बुक में जो है आपके लगभग 3-4 pages हैं, आपने इनको स्टडी करना है, रीड करना है, और जो मैंने आपको बताया है, यू विल सिंपली लिसन टू द थिंग। सो गुड डे।